बड़वानी शहर में आज फिर बने नए कंटेनमेंट एरिया। लगातार बढ़ रहे मरीजों के बाद अभी तक 19 कंटेनमेंट एरिया बन चुके हैं, जिसमें करीब 30 पुलिसकर्मी ड्यूटी निभा रहे हैं। थाना प्रभारी के अनुसार लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन को कंटेनमेंट एरिया बनाना पड़ता है, जिसमें पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं, जिस कारण पुलिस का भार भी बढ़ जाता है और पुलिस का कार्य भी प्रभावित होता है। बावजूद पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। देखिए, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी जो कल की तारीख में पॉजिटिव आए हैं कुल 17 लोग पॉजिटिव हैं, तो उस आधार पर अभी हमारे आज 8 कंटेनमेंट एरिया हम और बना रहे हैं जो अलग अलग जगह पे हैं। सर, हम बल की बात करें, सर कंटेनमेंट एरिया में बल लग जाएगा तो दूसरी जो व्यवस्था है वो प्रभावित होगी सर? देखिए, बल की जो बात है वो निश्चित रूप से अभी हमारे यहाँ टोटल 19 कंटेनमेंट एरिया हो गए हैं, तो इसमें एक बल लगा हुआ है जिसमें सब इंस्पेक्टर आरक्षक करीब 30 का बल इसमें लगा है, तो उससे प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कंटेनमेंट एरिया की व्यवस्था भी अच्छी रहे और जो पुलिस की मुख्य ड्यूटी कानून व्यवस्था, अपराधों का नियंत्रण, डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ये इसके लिए भी हम लगातार जो बचा का जो बल है उसके आधार पर कार्रवाई इस दिशा में भी दोनों में बैलेंस बना के काम कर रहे हैं। सर, लगातार फरार वारंटियों को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है, ऐसा में फिर कार्रवाई किस तरीके से चल पाएगी? देखिए, ये आदरणीय एसपी साहब के निर्देश है कि सभी ड्यूटी पुलिस को संपन्न करना है, वो फरारी वारंटियों को पकड़ने के निर्देश है, तो जो भी बचत का बल है या जो चीज़ है उसके आधार पे हम लगातार टीम भेज रहे हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए लगातार प्रयासरत है। जो बचत का बल बचा है, बचे हुए बल से हम काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।